हाय गाइस, जो मैं ये काम जो कर रहा हूँ, ये जो आउटडोर पेंटिंग, ये क्या होता है कि मॉर्निंग लाइट पे ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये मॉर्निंग वक्त ही आउटडोर करने के लिए सही सोचा। तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, चलो काम देखते हैं फिर। गाइस, और एक बात, जो हम लोग आउटडोर जैसे करना चाहते हैं वैसा नहीं होता, फिर भी कोई बात नहीं, करते रहो, एक दिन ज़रूर होगा, ठीक है। चलो आज तो काम करते करते मैंने ये जो वीडियो ये बना ली थी, तो फिर कोई बात नहीं। तो आप लोग कमेंट करके क्या मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों को कैसा वीडियो चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए वैसे ही कुछ वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। तो चलो काम देखते हैं फिर। मेरा जो फोकस पार्ट था वो जो घर, वो घर लेके मैंने थोड़ा स्टडी बहुत किया है, तो घर से ही मुझे जो लाइटिंग, वो जो शैडोज ऐसे ऐसे जो होता है, तो इसीलिए मैंने उस घर को ही थोड़ा बहुत लाइट करके फिर सारे के सारे ब्लैक से जो ठंडा है तो आउटडोर में ऐसा कर दिए, ठीक है। चलो काम ऐसे ही तो मैं करती हूँ, क्योंकि आप लोगों को जैसे चाहिए वैसे ही आउटडोर पेंटिंग में होता है, जो हम जैसे सोचते हैं वैसे नहीं बनते, तो कुछ तो बात है, इसलिए हम लोगों को जो अच्छा लगता है वही आउटडोर पेंटिंग करने के लिए हम लोग सही समझते हैं, ठीक है। और मैं जो ये एडवेस्टर से, ये जो घर है एडवेस्टर का, ये एडवेस्टर में बहुत लाइट सेटू बहुत वगैरह वगैरह पर हो गया था, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत डार्क, थोड़ा बहुत रात जो सॉफ्टनेस पेपर था वही करके छोड़ दिया, ठीक है। चलो फिर लास्ट पेंटिंग को देखते हैं कैसा बनता है। मतलब पेंटिंग तो हो गया, चलो अब मेरा सिग्नेचर लिख देता हूँ। और एक जरूरी बात, आप लोगों को कैसा पेंटिंग अच्छा लगता है आउटडोर वगैरह वगैरह, आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हो, कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को कैसा आउटडोर, कैसा पेंटिंग चाहिए, मैं अगली बार लेके आऊँगा आप लोगों के लिए वैसा ही कुछ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए होगे।